राज्य सरकार के निर्देश पर शनिवार को शहर में 30 से 44 वर्ष आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू होते ही केंद्रों पर 30 प्लस नागरिकों का उत्साह देखते ही बना। पहले ही दिन शहर के 105 केंद्रों पर 10,000 लोगों को टीका लगाया गया। वहीं ग्रामीण में संबंधित आयु वर्ग में 3,000 लोगों को टीके लगाए गए। शुक्रवार की रात में मनपा को संबंधित आयु वर्ग की टीकाकरण की अनुमति मिली। पहले दिन कुछ केंद्रों पर टीकाकरण करने के आदेश थे, पर मनपा ने 105 केंद्रों पर टीकाकरण करने का निर्णय लिया। शुक्रवार की रात 8:30 बजे से कोविन ऐप पर ऑनलाइन पंजीयन शुरू हुआ। कुछ ही देर में बुकिंग पूरी हो गई। पहला दिन होने से कुछ के ऑनलाइन बुकिंग होने में शिकायतें मिली। कुछ केंद्रों पर 200 तो कुछ पर 100 डोज दिए गए थे। मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी और अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने डिग दवाखाना केंद्रों पर तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को ऑनलाइन पंजीयन कराकर दिए गए समय पर उपस्थित होने की अपील की। संबंधित केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।